मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं चारों तरफ, ये ना तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए हैं, ना देश की सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि ये तीन काले कानूनों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। ये जो अहंकार की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो दलाली के लिए लगातार शुरू से तैयार है, क्रोनी कैपिटल की, पूंजीपतियों की, और वो भी कुछ चंद पूंजीपतियों की, वो गवर्नमेंट उन्हें बचाने में लगी हुई है, ये बैरिकेड्स उसकी गवाही दे रहे हैं। संविधान को लगातार ठोकर से रौंदते रहना, ये हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं इस सरकार की छत्र छाया में। जो भी तानाशाह सरकारें होती हैं हमेशा जनता की आवाज़ से डरती हैं, और इसीलिए ये सारा बल है। लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं है, लठतंत्र है बस। अब जिसको चाहे ये गिरफ्तार कर ले, जो इनके विरोध में हो कोई इनसे सवाल ना पूछे। जब खुद अपोजिशन में होती है बीजेपी गवर्नमेंट, तब वो यही सब बातें बोलती थी। और शर्म आनी चाहिए कि 40-50 लोग हाथ में तिरंगा लिए, दूसरे में लठ लिए, मुंह में गाली लिए, बोलते हैं दिल्ली पुलिस हम तुम्हारे साथ हैं, लठ मारो। और ये लोग एक शब्द नहीं बोलते, निंदा तक नहीं हुई इनके मुंह से। मतलब दिल्ली पुलिस को दंगों का समर्थन, दंगाइयों का समर्थन, क्या लोकतंत्र है भाई ये? गुस्सा है इस बात का। और ये आज नहीं है बस ये बात, पिछले कई, जब से ये सरकार आई है इनका यही काम है, सारे आंदोलन खारिज, एक ही स्क्रिप्ट बोल के, आतंकवादी, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी, खालिस्तानी, मतलब कुछ है बचा हुआ है क्या इस देश में? अब किसानों को भी कहा गया ये सब। हाँ, तो ये कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं लोग। लेकिन बात ये कि हर बार जब आप एक ही स्क्रिप्ट लिखोगे, हाँ, आपके जो तोते हैं वो एक ही स्क्रिप्ट बोलेंगे, तो आ गए ना सबका। ट्विटर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं सारे लोग मिलके, गोदी मीडिया वाले, एक ही ट्वीट चल रहा है, सभी की नानियों के साथ कुछ हो गया, एक एक शब्द। अरे भाई, इतना भी टाइम नहीं मिला उन बेचारों को कि एक शब्द ही ढूंढ ले कहीं से नया। क्यों, जमाकों को तो जंग लग चुका है, सोचते तो है नहीं।